Hey guys, welcome to JRDK Cooking Diaries। जैसे कि अभी रक्षाबंधन आ रहा है तो आज हम रक्षाबंधन के लिए बनाएंगे इंस्टेंट मिठाई जो कि मिल्क पाउडर से बनी है। गाइज ये मिठाई बहुत जल्दी बनके तैयार हो जाती है, इसमें आपकी बिल्कुल मेहनत नहीं लगने वाली है और ये एकदम फटाफट से बनके तैयार हो जाएगी। तो हम इसे बनाना शुरू करें उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए अब हम मिठाई बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम पैन लेंगे, इसमें डालेंगे हम एक चम्मच घी। घी को मेल्ट होने देते हैं, जैसे ही घी मेल्ट होगा उसके बाद हम इसमें 2 टेबलस्पून शुगर ऐड करेंगे। इसे मिक्स करके अब हम इसमें 1 कप पानी डालेंगे। पानी को हल्का गर्म होने देंगे, जैसे ही पानी गर्म हो जाएगा उसके बाद हम इसमें 2 कप मिल्क पाउडर डालेंगे। मिल्क पाउडर हमने स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का लिया है। अब मिल्क पाउडर डालने के बाद हमें इसे कंटिन्यू चलाते रहना है जब तक इसकी कंसिस्टेंसी हल्की ड्राई नहीं हो जाती। तो आप देख सकते हैं हमें जो बैटर की कंसिस्टेंसी है वो बिल्कुल इतनी ही ड्राई रखनी है। तो अब ये जमाने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो हम इसे थोड़ी देर साइड रखते हैं और वाइट चॉकलेट मेल्ट कर लेते हैं। तो वाइट चॉकलेट को हम डबल बॉयलर की हेल्प से मेल्ट कर रहे हैं। तो अभी वाइट चॉकलेट अच्छे से मेल्ट हो चुकी है। अब हम पैन को साइड रखते हैं और चलते हैं मिठाई को जमाने की प्रोसेस में। तो सबसे पहले हम प्लेट को घी से अच्छे से ग्रीस कर लेंगे ताकि बाद में मिठाई आराम से निकल जाए। प्लेट को ग्रीस करने के बाद हम इसमें अपना मिठाई का बैटर डालेंगे और इसे प्लेट में अच्छे से फैला लेंगे। इसके बाद हम इसमें वाइट चॉकलेट डालेंगे जो हमने पहले मेल्ट करके रखी थी, इसे भी हम बैटर के ऊपर अच्छे से फैला लेंगे। और लास्ट में हम इसमें जैम से टॉपिंग्स कर लेंगे। तो अब मिठाई सेट हो चुकी है, अब हम इसे स्क्वायर शेप में कट कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं हम इसे कितनी आसानी से कट कर पा रहे हैं। तो अभी मिठाई खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो आपने देखा इसे बनाना कितना आसान है और ये कितनी जल्दी बनके तैयार हो जाती है। तो अब आप भी ये इंस्टेंट मिठाई की रेसिपी को इस रक्षाबंधन जरूर बनाकर ट्राई करें और हमें कमेंट सेक्शन पे बताएं कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, इसे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।